का सच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पायल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों पर। पारा शिक्षक बैठे आमरण अनशन पे, कहा झारखंड सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं की तो डीसी कार्यालय के समक्ष करेंगे आत्मदाह। निरसा शासन बेरिया के समीप एमपीएल का हाईवा हाई टेंशन तार के चपेट में आने से जलकर हुई खाक। डडे दुबे ने की समीक्षा बैठक, कहा कांग्रेस के हार का जिम्मेदार कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। और हाउसिंग कॉलोनी में गायत्री महायज्ञ का हुआ आयोजन, निकाली गई 2100 कलश यात्रा। अब खबरें विस्तार से। पूरे राज्य में शिक्षक नियुक्ति काउंसलिंग एक साथ हो, मार्च 2014 सहित 4 माह का मानदेय भुगतान और शिक्षक नियुक्ति में त्रुटि दूर करने आदि मांग को लेकर झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक संघ के धनबाद जिला इकाई ने अपने सैकड़ों शिक्षा मित्रों के साथ धनबाद जिला मुख्यालय स्थित रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना सह अनिश्चितकालीन अनशन पर चले गए। इस दौरान शिक्षा मित्रों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सूबे के तत्कालीन मंत्रियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अनशन को संबोधित करते हुए संघ के जिला सचिव ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी हुई थी, अब जब 18,000 पदों के लिए नियुक्ति निकली है तो सरकार द्वारा केवल 2500 पदों पर ही नियुक्ति दी जा रही है। ऐसे में अन्य शिक्षा मित्रों का भविष्य अधर में है। अगर जिला स्तर की नियुक्ति में जिले के अभ्यर्थी का संयोजन नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में शिक्षा मित्र धनबाद उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करने को विवश होंगे। हमारे संवाददाता ने झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक संघ के सचिव शेखर सिद्दकी से बातें की। पूरा जिला से लेकर राज्य स्तर के जितने अधिकारी हैं, जितने हमारे मंत्रालय में नेता है, सब लोगों से हमने मिला है और सब लोगों ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी है, उसमें त्रुटि है। लेकिन लगातार क्यों नहीं अधिकारियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, झारखंड सरकार को समझ में नहीं आ रही कि जो आप 18,000 का वैकेंसी निकालने जा रहे हैं, जो हो रहा है उसमें मात्र 2500 शिक्षक पूरे झारखंड में बन पाएंगे। इतने हम लोगों ने याचना करने के बावजूद सरकार नहीं मान रही है, विभाग नहीं मान रहा है। हम लोग विवश होकर आज से अनिश्चित काल के लिए हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अगर सरकार नहीं मानी, कल काउंसिल नहीं रुका गया तो 100 अपने साथियों के साथ इसी उपायुक्त कार्यालय के समक्ष हम लोग आत्मदाह करने जा रहा हूँ। डीएससी से भी बात हुआ है, शिक्षा सचिव से भी बात हुआ है, मुख्यमंत्री से भी बात हुआ है, सब लोगों ने हमको आश्वासन दिया है और आश्वासन से पेट भरने वाला नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि जिला स्तर की नियुक्ति में जिला का प्राथमिकता हो और जितनी भी शिक्षक नियुक्ति में त्रुटि हो उसको दूर किया जाए। निरसा थाना अंतर्गत शासन बेड़िया के समीप छाई ट्रांसपोर्टिंग में लगा एक हाईवा जलकर खाक हो गया। घटना के संबंध में बताया गया कि रोजाना की तरह एमपीएल से छाई लेकर हाईवा शासन बेड़िया में डंप कर रहा था, तभी भराई स्थल के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे हाईवा में आग भड़क उठी और हाईवा धू धू कर जलने लगा। लेकिन स्थानीय लोगों की तत्परता से तुरंत ईसीएल से पानी का टैंकर और एमपीएल से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो हाईवा का डीजल टैंकर ब्लास्ट हो सकता था,
जिससे एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मौके पर मौजूद ईसीएल कर्मी ने घटना के बारे में हमारे संवाददाता को बताया। ऊपर में ये नहीं तो पड़ने के हिसाब से अब तो छाई लाता था लोग एमपीएल से छाई लाता था एक से इससे हाईवा से ये हुआ कि हाईवा उठाया है हाईवा उठाने के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ है शॉर्ट सर्किट के बाद जो है वो फायर पकड़ लिया फायर पकड़ने के बाद हम लोगों ने तुरंत प्रबंधन ने तुरंत एमपीएल के अधिकारियों को और डीबीसी के अधिकारियों को फोन किया तो करने के बाद जो ये क्या कहते हैं फायर ब्रिगेड गाड़ी आई अभी तुरंत काम में लगा हुआ है। मानव में दायित्व को जगाने मनुष्य में सोई प्रतिभा को जगाने और राष्ट्र हित की भावना का विस्तार को लेकर आज से धनबाद स्थित हाउसिंग कॉलोनी में आचार्य श्री राम शर्मा के द्वारा आज से यज्ञ पिता और गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर आज आईएसएम के मुख्य द्वार से करीब 2100 युवतियों व महिलाओं ने कलश यात्रा निकाला। यात्रा में शामिल महिलाओं ने इस दौरान गायत्री मंत्र का जाप भी किया और यज्ञ स्थल पर लौट आए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः धियो यो न प्रचोदयात् अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे आपको रूबरू। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है। उपायुक्त प्रशांत कुमार का हस्तक्षेप धनबाद नगर निगम के अधिकारियों को नगवार गुजर रहा है। उनका कथित आवश्यक हस्तक्षेप रोकने के लिए मंगलवार को नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि बेवजह हस्तक्षेप निगम के अधिकारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नगर निगम कार्यालय में हुई बैठक में निगम के अधिकारियों ने अपना दुखड़ा रोया है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त जब जब बुलाकर डांट देते हैं, हर काम में हस्तक्षेप करते हैं, जांच दूसरे विभाग को सौंप देते हैं, इससे काम काज प्रभावित होता है। विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव पारित किया गया है कि उपायुक्त के निगम कानून से परे आदेश को नहीं माना जाएगा। लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव में भी मिली करारी शिकस्त के बाद प्रदेश कांग्रेस में अंतर कला अब खुल के सामने आ रहा है। आज इसी क्रम में आज एक जमाने में कांग्रेस के दो टक्कर प्रतिद्वंदी अब प्रदेश के कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से बुलंदी पर लाने को लेकर अब एक दूसरे का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। धनबाद परिसदन में आयोजित समीक्षा बैठक में कभी एक दूसरे से दूरी बनाते नजर आने वाले झारखंड के दो पूर्व मंत्री ददय दुबे व मनान मल्लिक आज एक साथ नजर आए। अंतर समय दिए जाने के कारण मनान मल्लिक आए और कुछ समय बाद ही गंतव्य स्थल की ओर निकल पड़े और आगे की बैठक का जिम्मा ददय दुबे को सौंप दिया। इस संबंध में ददय दुबे ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का हार की समीक्षा को लेकर बैठक की जा रही है और इस हार पर पार्टी कार्यकर्ता समेत सूबे की जनता भी अफसोस जाहिर कर रही है। वहीं चुनावी हार के बाद कांग्रेस में मचे घमासान और अंतर कला पर ददय ने कहा कि वैसे नेता जो कि अपने को बड़े नेता मानते हैं और जिन्हें चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का जिम्मा दिया गया था, वो अपने गिरिवान में झाँके और इस हार का जिम्मेदार कौन है स्पष्ट करे। कांग्रेस की हार का कारण केवल कांग्रेस ही नहीं है और इसके कार्यकर्ता भी जिम्मेदार हैं। पर हम लोग समीक्षा करने जा रहे हैं, एक मीटिंग करने जा रहे हैं और कांग्रेस को जो हार हुई है वो क्यों हुई है, कैसे हुई है, उसी समीक्षा बैठक के बाद आप लोगों को बुलाएंगे भी, आपसे बात करेंगे भी और सारी चीजों को बताएंगे आपको। ये सब जितना ठिकरा फूट रहा है एक दूसरे पर, हम तो इतना ही कहेंगे कि जितने भी लोग हैं इस तरह के ठिकरा फोड़ने वाले,
कांग्रेस को बदनाम करने वाले, और सब अपने अपने सीने पर हाथ रखकर सोचें कि उन्होंने क्या किया है। जो कांग्रेस के बड़े नेता अपने को समझते हैं, बड़ा भारी भरकम पोस्ट मिला था लोगों को, उन लोगों ने क्या किया इस कांग्रेस को मजबूतीकरण के लिए, उन लोगों को सोचना चाहिए, अपने गिरवान में झांकना चाहिए। इस हार का जिम्मेवार किसे मानते हैं आप? ये जो हार मिली है कांग्रेस को, करारी शिकस्त कहा जा सकता है। कांग्रेस की हार कांग्रेस के चलते हुई है, हम इस बात को कहने से मुकर नहीं सकते, बस इतना ही जान लीजिए। कांग्रेस की हार का जिम्मेवारी हरेक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आती है, नेताओं पर आती है, सारे जितने भी गड़बड़ियां हैं कांग्रेस पार्टी से ही हुए हैं, हम इतना ही कहेंगे आपको। मैं आज की जो ये कार्यकर्ताओं का के साथ जो मिल रहा हूं, और इसमें क्या कारण है इसकी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा कि आज कांग्रेस को एक मजबूतीकरण देने का ये प्रोग्राम है, इसमें जितने भी कार्यकर्ता मुख्य रूप से हमारे हैं कांग्रेस के हैं, उस सारे लोगों ने इसमें भाग लिया है, यहां तक कि यहां के उम्मीदवार जो कांग्रेस के मनान मलिक साहब हुआ करते थे, आज भी हैं वो, लेकिन चुनाव हार जाने के बाद तो उनको नहीं बल्कि सारे कार्यकर्ताओं को, धनबाद क्षेत्र की जनता को इसके लिए काफी अफसोस है। लेकिन आज तो आप देख रहे हैं कि देश की स्थिति किस ओर जा रही है, हम लोग इस चीज को ठान चुके हैं, संकल्प ले चुके हैं कि कांग्रेस को मजबूतीकरण के लिए किसी हद तक जाएंगे। अब आज चंदन फाउंडेशन एनजीओ के तरफ से धनबाद रेलवे क्लब के सामने लंगर लगाकर करीब 500 गरीब गुरबों को भोजन कराया गया। इसमें चंदन फाउंडेशन के सभी सदस्य उपस्थित होकर गरीब गुरबों को अपने हाथों से भोजन कराया। आपको बता दें कि चंदन फाउंडेशन इस तरह के लंगर प्रत्येक माह जिले में कहीं न कहीं आयोजित करती है, जिससे अनेकों गरीब गुरबों को इसका लाभ मिलता है। हमारे संवाददाता वरुण वैद ने चंदन फाउंडेशन के सदस्यों से बातें की। इस संस्था में आज तकरीबन हम लोग 2 सालों से इस तरह के आयोजन करते आया हूँ, वृक्षारोपण का भी करवाया, कहीं सफाई अभियान भी करवाया, और खासकर ये भंडारा का आयोजन ज़्यादा करवाया, क्योंकि गरीबों के प्रति बहुत कम लोग हैं जो करने वाले हैं। हम लोग करने के लिए समय निकालने के तत्पर हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आसपास के जितने भी लोग हैं और वो सब सारे कोई सहयोगी बने, और इस तरह के एक दूसरे को हाथ पर थामे तो क्या होगा कि हमारे देश में एक भाव पैदा होगी, उस भाव से समझिए कि भारत वर्ष का विकास हो जाएगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे आपको रूबरू, तब तक बने रहिए आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है। डीवीसी ने धनबाद में अब 1 घंटा और बिजली कटौती में कमी कर दी है। आज से धनबाद में 5 की बजाय 4 घंटे की बिजली कटौती होगी। सुबह और शाम में 2-2 घंटे की बिजली कटौती की जाएगी। मंगलवार तक सुबह शाम 2.5-2.5 घंटे की बिजली कटौती की जा रही थी। आज सुबह 8 से 10 और शाम को 5 से 7 बजे तक लोड सेटिंग की जाएगी। वहीं कुछ क्षेत्र में सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक और शाम में 7:15 से 9:15 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी। गौरतलब है कि डीवीसी की बिजली कटौती के विरोध में विभिन्न संगठनों ने जिले में आंदोलन छेड़ रखा है। दिनों दिन लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। इधर विद्युत निगम द्वारा बकाये राशि का भी भुगतान किया जा रहा है। इसे देखते हुए डीवीसी द्वारा बिजली कटौती में राहत दी गई है। वार्ड नंबर 14 के पार्षद रंजीत कुमार उर्फ बिल्लू भूली डी ब्लॉक आवासीय कार्यालय में गरीबों के बीच कंबल वितरण किए, साथ ही चूड़ा तिलकुट भी वितरण किए। मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए पार्षद रंजीत कुमार उर्फ बिल्लू ने गरीब असहाय लोगों को कंबल के साथ चूड़ा तिलकुट गुड़ भी प्रदान किया।
हमारे संवाददाता दीपक परमानिक ने इस संबंध में वार्ड नंबर 14 के पार्षद रंजीत कुमार और बिल्लू से बातें की। ऐसे तो 15 तारीख को रखा गया, लेकिन हम लोग पूर्वजों से चलते आ रहा है जो 14 जनवरी को, तो मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर चूंकि गरीबों लोग आए हैं, कंबल हम लोग लगातार 3 दिन से बांट रहे हैं, तो आज सभी लोग सुबह आए तो हम लोगों ने सोचा कि गरीबों को सिर्फ कंबल की ही आवश्यकता नहीं होती है, हाँ, उनको भोजन की भी आवश्यकता है। तो हम लोग सरकार से इनकी मांग करेंगे कि जल्द से जल्द बीपीएल कार्ड इन लोगों का इशू करवा दे, और इस खुशी में आज सभी लोग खुशी से त्यौहार मनाएं। इसके लिए आज हम लोगों ने चूड़ा गुड़ तिलकुट सारे लोगों को दे के यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं। निसर थाना अंतर्गत शासन बेड़िया के कुछ ग्रामीणों ने सेफ लाइफ के नाम से काम कर रहे अर्जुन विश्वकर्मा को बंधक बना लिया। और अपने बकाए रकम की वापसी करने लगे। हम आपको बता दें कि निसा क्षेत्र के साथ पूरे राज्य के न जाने कितने लोगों को नॉन बैंकिंग कंपनी ने धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए का चूना लगाया है, जिसके लिए सरकार भी गंभीर है, लेकिन गरीब का पैसा लौटाने के लिए आज भी कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। वहीं ग्रामीणों के चंगुल में फंसे एजेंट से बात करने पर एजेंट ने बताया कि आज जो ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने सेफ लाइफ का पैसा खा लिया है, वो गलत है, क्योंकि ये लोग भी एजेंट हैं। वहीं एजेंट ने बताया कि पैसे मुझे नहीं देकर हर निवेशक ने पैसे कंपनी के काउंटर में जमा किया है, न कि मुझे दिया है। इन लोग का आरोप है जो सेफ लाइफ का हम पैसा खा गए, लेकिन ये गलत है। हम भी एजेंट थे, पप्पू भी एजेंट था, गोपाल भी एजेंट था, मिंटू भी एजेंट था, हम लोग सब एजेंट थे। इन लोग अभी आरोप लगा रहा है नहीं आप पैसा लिए, आप हम लोग रिटर्न कीजिए। उस समय हम कुछ नहीं बोले थे, हम भी एक एजेंट थे, ये भी एक एजेंट है। पैसा लिए थे तो क्या बोल के? पैसा हमको नहीं दिए, पैसा तो ये काउंटर में जमा किए, कंपनी के काउंटर में। अभी लोग क्या चाह रहा है? अभी हमको चाह रहा है आप पैसा दिला दीजिए। हमको दबाव बनाया जा रहा है, डायरेक्टर लोगों से आके यहाँ मीटिंग करा दीजिए। तो हम इन लोगों को बोल रहे हैं ठीक है, हम कोशिश करेंगे मीटिंग करा देंगे। अभी जो डायरेक्टर है वो लोग का है? एक डायरेक्टर है जो सीएमडी बोलता था, वो अमित कर्मकार, ठीक है, सरायढेला उसका घर था। और एक है राम प्रसाद निषाद उर्फ बबलू, वो भी स्टील गेट धनबाद का है। और एक विकास महतो है पुटकी का है। हमारे साथ में एक ही डायरेक्टर से भी भेंट मुलाकात होता है, राम प्रसाद निषाद से, बाकी किसी से भेंट मुलाकात नहीं होता है। मौके पर मौजूद एजेंट को बंधक बनाने वाले युवक से मीडिया ने बातें की तो उसने बताया कि दोपहर को मैंने अर्जुन विश्वकर्मा को देखकर अपने रकम की वापसी की मांग की, लेकिन एजेंट ने कहा कि जो एमडी सीएमडी है वो मर चुके हैं। पप्पू साहब ने बताया कि करीब 2 लाख रुपए लेकर कंपनी फरार है। वहीं आज भी एजेंट का कहना है कि कंपनी खुलेगी तब आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। आज हम दोपहर को खड़े थे अपना घर के पास, तो वही देखे ये लोग गोपाल रुईदास के पास आया हुआ है, तो हम बोले ये तो अर्जुन विश्वकर्मा है, तो जाके हम पता किए तो बोला हाँ यही है, तो हम फिर इसको पकड़ कर रखे कि हम मेरा जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है ये हमें दे दे। कितना आदमी का इनके ऊपर गबन कर रहा? ये मेरा 2 लाख रुपया। हम लोग 5-7 और है, वो सब मिला के 2 लाख रुपया हम लोग यहाँ से निरसा से जमा किए थे। लोग बोल रहे हैं कि कंपनी डूब गया है और जो इसका सीएमडी है उसको कोई गोली मार दिया गया, ये मर गया है, हम लोग को तो मालूम नहीं है। तो ये लोग का हम बोले अगर वो मर गए हैं तो उसका तो कोई डेथ सर्टिफिकेट होगा, प्रूफ है, तो ये लोग कुछ दिखा नहीं रहे हैं और बोल रहे कि हमको मालूम नहीं, कंपनी डूब गया, कंपनी सब लीजिए। अभी आप लोग जो बंधक बनाए आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि इसका जो भी डायरेक्टर है सीएमडी है वो आए और हम लोग का जो भी पैसा जमा है वो निकाल, ये हम लोग सोच रहे हैं कि थाना वालों को दे दें। ये हम लोग मोटा मोटी आपका 1.5 साल से भुक्तभोगी है कि हम लोग मैच्योरिटी हो गया है, लेकिन हम लोग का पैसा जब ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस तो बंद है, तो तब हम लोग पैसा तो मिल ले रहा है, तो उसके बाद हम इन लोग से फोन कर रहे हैं, फोन में बात करते हुए बोल रहे हैं कि हम मेरा जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो आप दिला दीजिए, तो ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऑफिस बंद हो गया है, जब ऑफिस खुलेगा तब आप लोग को दिया जाएगा। चलते चलते एक बार फिर से जान लेते हैं आज कौन सी खबरें रही सुर्खियों पर। पारा शिक्षक बैठे आमरण अनशन पे, कहा झारखंड सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं की तो डीसी कार्यालय के समक्ष करेंगे आत्मदाह। निरसा शासन बेरिया के समीप एमपीएल का हाईवा हाई टेंशन तार के चपेट में आने से जलकर हुई खाक।
ददई दुबे ने की समीक्षा बैठक, कहा कांग्रेस के हार का जिम्मेदार कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। और हाउसिंग कॉलोनी में गायत्री महायज्ञ का हुआ आयोजन, निकाली गई 2100 कलश यात्रा। आज का सच में आज इतना ही। अगर आप अपने आसपास की कोई भी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं या कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। मोबाइल 9334552400, 9835142055, 9939148674। आज का सच न्यूज देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं aajkasach.in। नई और ताजा तरीन खबरों के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच के पूरे परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।